फ्रेंड्स, आज हम ये कह सकते हैं कि देश की बैंकिंग प्रणाली की नींव अब इतनी पारदर्शी और मजबूत हो रही है कि वो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को ऊर्जा दे सकते हैं, आत्मविश्वास जगा सकते हैं, गति दे सकते हैं। आज भी हम दुनिया के 10 टॉप, दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ एफडीआई डेस्टिनेशन में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में एफडीआई आने की गति बढ़ी है और एफडीआई के मेरे 2 मीनिंग है। जब जरूरत पड़े उस समय मैं उसका उपयोग करता हूं। एक एफडीआई पॉपुलरली नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मेरा दूसरा है फर्स्ट डेवलप इंडिया। पिछले 20 वर्षों में जितनी एफडीआई देश में आई उसकी लगभग 50% पिछले 5 वर्ष में आई है। हमने पिछले सालों में अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में भी व्यापक सुधार किया है। आज दुनिया का तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में है। देश में इनोवेशन और एंटरप्राइज का एक नया वातावरण बना है। आज दुनिया के ज्यादातर निवेशक भारत की तरफ पूरे विश्वास और आशा के साथ देख रहे हैं। भारत की क्षमता को लेकर दुनिया में अभूतपूर्व भरोसा उत्पन्न हुआ है। साथियों, इसी पॉजिटिविटी के आधार पर हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ बढ़ने वाले हैं। आने वाले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। हर घर तक जल पहुंचाने के लिए होने वाला 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसे नई शक्ति का संचार करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों का निर्माण हो या हर देशवासी तक अफोर्डेबल हेल्थ केयर पहुंचने का संकल्प हो, किसानों की आय को 2 गुना करने का प्रयास हो या देश के लाखों एमएसएमई और करोड़ों सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए आसान फंडिंग, ऐसे अनेक प्रयास 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए हमारे संकल्प को नई शक्ति देते हैं, नया विश्वास देते हैं।